सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज की वीडियो होने वाली है प्योर बिग बॉस के बारे में। आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ बिग बॉस, जो इंटरेस्ट आ रहा है भाई बिग बॉस देखने में। क्या बताऊँ मैं, सच में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं देखते रहो। जैसे पहले था ना थोड़ा सा बोरिंग सा हो गया था, लेकिन जब से वो एलविश भाई अपने आए ना, तब से बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना दिया पूरी गेम को। आजकल बिग बॉस में बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें हो रही है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है कि भाई जो कभी सुना ही नहीं बिग बॉस में ऐसा भी हुआ है। सबसे पहले तो आज क्या हुआ भाई, आज रोटी के लाने पड़े हैं। सोचो रोटी के, मतलब आप रोटी तक को तरस रहे हो। तो हुआ ये है कि भाई एलविश भाई के साथ में कुछ ऐसा सीन हो गया है कि उनको जो है ना टॉन्ट मारा जा रहा है रोटी के लिए। बंदों को रोटी बनाना भारी पड़ रहा है। और ऐसे ऐसे थोड़े बहुत क्लिप्स पे है जिसमें एलविश भाई अपनी मम्मी जी को याद कर रहे हैं कि उनको याद आ रही है अपने घर की, कि यार ऐसे भी दिन भर को देखने पड़ रहे हैं कि रोटी के लाने पड़ रहे हैं। रोटी के लाने इन दैट सेंस कि लोगों को भारी पड़ रहा है रोटी बनाना। वो क्लिप मैं अभी अटैच करता हूँ यहाँ पे, आप ज़रूर देखो उसको। पलक जी, आप कभी पलक दिल्ली आओगे तो आप मेरे एनजीओ में जरूर आना एक बारी। जी एनजीओ तुम्हारा? बिल्कुल। ओके। उसमें हम लोग पूछते नहीं, जब वो दूसरी बारी खाना लेने आते हैं ना, तो हम लोग पूछते नहीं कि वो कितनी बारी ले रहा है, कितनी बारी क्या करता है। सो मुझे उसकी आदत है और आई एम नॉट यूज टू इट। तो आज मेरे को लगा कि बोल दूँ शायद आपको ये चीज़ है ना। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, वापस रिपीट करो। हाँ। जो कोई खाना लेने आता है ना हमारे वहाँ पे, हाँ। तो उससे हम ये बार बार पूछते नहीं कि तूने चार रोटी ली, दो ली, तीन ली। बट मैंने तो पूछा ही नहीं किसी से भी, बुरा लगा। एक ही बात थी। तो अच्छा। वो चीज मतलब मैं उस एनवायरनमेंट में रहा नहीं कभी, तो इसलिए मुझे लगा आपको बोलना। कोई नहीं रहा इस घर में मेरे भाई, नहीं एनवायरनमेंट में। नहीं आप मुझे बोलोगे कभी कि मेरे लिए यार ये बना दे, तो मैं उस चीज के लिए कभी मना नहीं करूँगा। या फिर कोई कितना खा रहा हो तो मैं वो चीज देखता नहीं कि मैं आपसे इस बारे में बिल्कुल बहस नहीं करूं। बहस तो कर ही नहीं रहा मैं, आपको तो ऑफर करा है मैंने एनजीओ में आने के लिए। बहस इतने पराठे पड़े हैं, आपको बोला जा रहा है खाने के लिए, उल्टा आप हमें ही बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं। मैंने तभी भी बोला था आप खा रहे थे तभी की ले यार, मैं थोड़ा टोक के बाद खाता नहीं। आप लोग शायद पता नहीं खा लेते होंगे, बट मैं खा नहीं पाता यार। कोई नहीं तो आपको कोई नहीं देगा। अरे यहाँ पे थोड़ा सा काउंटिंग के हिसाब से। हाँ मैं समझ गया, बस वही मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मुझे आता नहीं रही थी। इट्स ओके, तभी आई नो आपने पूछा। हमने भी खोला हुआ ही है यहाँ पे, हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, आप भी खाओ। अरे वो बोल रहा है हम बना बना के खिलाते, तब कोई नहीं देखता है यहाँ पे यार। एक दिन राशन दिया किसी को थोड़ी है जो तो बुरा लग गया। बोल सकते हैं ऐसे थोड़ी होता है यार। तो कोई नहीं, आप मेरा मत बनाओ, ठीक है? ये भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है एलविश। आप नहीं, अगर इनको ऐसा लगता है तो भाई मेरा मत बनाओ। आप मुद्दा बना रहे हो, मुद्दा बनाने वाला कोई बात नहीं। काउंटिंग की एक बात हो रही थी, मुद्दा मुझे यार ये काउंटिंग मत बोला करो इन चीजों में ना। बहुत छोटा साउंड करता रोटी की काउंटिंग, इसकी सबको पता है कौन कैसे छोटा साउंड कर रहा है। बिल्कुल सबको तो दिख ही रहा है, वैसे सही बात है। रोटी की काउंटिंग आप मेरे को बेझिझक बोलो कितना चाहिए मैं बता। अरे नहीं मैं समझ गया, मैं उनको बोल रहा था। ऐसे मैं जिया को ही बोल सकता, पर इसने तो पूछा मेरे से, मैं इसको नहीं बोल रहा। हां इसलिए मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूं खाना, क्योंकि मे बी मेरे लिए नई चीजें तो मुझे पता नहीं। रोटी पराठे आटा ये सब काउंट होता है। मुझे तो जिया ने बोला था कि अगर तेरे को खाना है तो मैं लेने जा रहा था। मैंने उठा के प्लेट में रख लिया अपनी में। तो उसने बोला पीछे से कि मैं तो पीछे ही तो थी मेरे, कि सबके दो दो है ना पराठे,
तो सब चीज़ कैलकुलेटेड है, मतलब वो चीज़ कि सबके हिस्से में इतने इतने, तो मैंने उठा के वापस रख दिया। तो फिर जब ही तो आशिका कहती मेरा खा ले मेरा खा ले, तब मैं नहीं आया था दही खाने, मेरे को नहीं पता, मैंने ये देखा नहीं था। जबकि देख मैं जेन्युइन बताऊँ, आज 34वां या 35वां दिन है, उस बंदी ने हमेशा प्यार से खाना खिलाया, पर इनकी वो छोटी छोटी कभी कभी टोक लगा देते ना, क्योंकि इंस्टिंक्ट तो तभी तो मैं कह रहा था कि मैं टोक के बाद खाता नहीं, यहाँ पर ना थोड़ी लिमिटेड है और एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि एक को टास्क मिल गया तो वो गिनता है कि कितनी बनानी यार, अगर कभी बट बाय चांस ये मेरे को बोलेगी ना, बट वो ये चीज मैं भी भूखा रह के खाना दे दूं उसको यार, पर उनको क्या होना चाहिए यहाँ पर कि दो दो बने एलविश आपको खाना आप खाओ हम और बना देते हैं बस। तो खाने में हाथ ये पता नहीं कभी नहीं रोकती, बट बीच बीच में ना पहले भी इन्होंने एक बार बोलते कि लड़कों जैसे मनीषा बता रही थी सबके दो दो हैं तो आपका तीन इनका तीन क्यों यार, ये दो तीन मुझे समझ नहीं आता, मतलब ये मेरी कैलकुलेशन में बैठा नहीं कभी, दो दो रोटी तीन रोटी चार रोटी हम कोई भी नहीं बैठा, कितनी खाई इसने कितनी खाई थोड़ा, इन चीज़ों में ना कोई नहीं बैठा, बट यहाँ एक मतलब एक बंदे को ड्यूटी मिली है तो वो गिन के बना रहे सब, बट ये चीज़ इनकी गलत है ये बोलना कि भाई तुम्हारे दो हैं, अरे तुम और बना दो, राशन कल आया भाई, बहुत राशन है, आलू वालू बहुत हैं, ये टोकना गलत है इनका। इसलिए कहते हैं यार कि अपने अपने होते हैं और पराए पराए होते हैं, अपने लोग कभी नहीं पूछते कि आप एक खा रहे हो दो खा रहे हो तीन खा रहे हो, लेकिन जब आप किसी दूसरे घर जाते हो या कहीं किसी के वहाँ रुकते हो तो वहाँ पे ऐसा खुद को अजीब सा फील होता है, और जो बंदा जो है उसको भी इतना कम से कम होना चाहिए कि वो ऐसे डायरेक्टली ना पूछे, ये चीज़ आप खुद सोचो, एक बंदे से उसकी रोटी पूछना इतनी अजीब बात है, खुद को अजीब लगता है ऐसे पूछने में। लेकिन भाई ये बिग बॉस में ये जो फलक नाम की लड़की है, सच में ये मैं इसे बेशरम कह सकता हूँ, ये सच में बेशरम है। कई लोगों को यार ये भी प्रॉब्लम होगी कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसने रोटी के लिए तो पूछा है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि रोटी के लिए पूछा है, देखो प्रॉब्लम ये है कि यार आप किसी को डायरेक्टली ये मतलब पता कैसे पूछ सकते हो अपने मुंह से, जैसे कोई बंदा टिफिन से रोटी निकाल रहा है अपने प्लेट में रख रहा है, और जैसे अपने प्लेट में रख रहा है उसी टाइम उसको टॉन्ट मारी जाती है कि सबके लिए दो दो रोटियां हैं, तो सोचो क्या मतलब एक साइकोलॉजी में ऐसा फर्क पड़ेगा ना कि यार जैसी मैंने रोटी अपने प्लेट पे रखी तभी ये कमेंट पास हुआ, वो वाला सीन है। तो इट इज एक्टिंग लाइक अ टॉन्टिंग। हमको पता है भाई एलविश भाई जो है फैंस बहुत है भाई, फैंस बहुत है और प्यार में कोई कमी नहीं है। तो मैंने देखा भाई अभी जो वोटिंग का रिजल्ट आया ना, अनबिलीवेबल, मिलियन से भी ज्यादा उनको वोट्स मिले और बाकी सबको कितने 6,000-7,000, अमेरिका 1.4 या 1.5 मिलियन कुछ ऐसे वोट्स पड़े थे, मेरे को ठीक से तो याद नहीं है, इतने कुछ अप्रोक्सीमेटली में थे। देखो यार बचपन से हमको ये हैबिट हो जाती है कि हमारी मम्मियाँ जो है हमको कभी ऐसा पूछती नहीं है कि भाई तू कितनी रोटी खाएगा, तू एक खाएगा दो खाएगा, ऐसे होता है आपके साथ भी ऐसे होता होगा। तो यार एलविश भाई का जो है ये सीन बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल ये क्लियर है कि ऐसे अगर कोई डायरेक्टली प्लेट में रखते हुए कोई अगर पूछेगा तो सच में यार बहुत अजीब लगता है, और वो सोच के बहुत ज़्यादा गंदी वाइब आती है कि यार ये मैं कहाँ आ गया, तो फिर ज़्यादा याद आती है अपनी फैमिली की। तो भाई ऐसे भी लोग देखे बिग बॉस में जो इस तरीके की नीचे हरकत भी कर सकते हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर दो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।